अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं तो आप? यार गाइस, आज मैं थोड़ा बहुत जल्दी उठा हूँ और मैं सोच रहा था कि मैं ये कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि जाके सूरज की वीडियो बनाऊँ। जो मेरे पुराने व्यूज़र हैं उनको पता है कि मैं पिछले व्लॉग में गया हुआ था सूरज की वीडियो बना। अबे भाई, 2 मिनट चुप कर यार। तो उनको पता है कि मैं गया हुआ था सूरज की वीडियो बनाने, लेकिन उस दिन सूरज निकला ही नहीं। अब बेइज्जती है। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली है, लेकिन यार क्या करूं, यहाँ कौवे तंग कर रहे हैं इतने। गलती मेरी है क्योंकि मैंने इनके बच्चों को छेड़ा था बहुत काफ़ी पहले, लेकिन इनको अभी तक याद है। और ये बेटे हैं ना, ये तंग कर रहे हैं, ये वाला कांग कांग कर रहा है। और ये उनका बच्चा, ये बच्चा भी आ गया, उनका ये वाला बच्चा तंग कर रहे हैं। तो अभी मैं चलता हूँ नीचे। क्या करके यहाँ पर बेफजूल कांटे मार रहे हैं अपने चोंच से। सो सैड। घर पे बैठे बैठे बोर हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं स्कूल की तरफ, देखते हैं वहाँ स्कूल में। वैसे कलरिंग और आता, अभी पता नहीं कितना हो गया, तो चलते हैं देखते हैं। मैं भी जब मतलब कलरिंग करने गया था मेरे बैक व्लॉग पे, जो मैं व्लॉग कलरिंग कर रहा था, उससे बाद में अभी तक स्कूल पे गया हूँ नहीं हूँ। तो अभी चलते हैं स्कूल और देखते हैं क्या सीन। भाई वैसे स्कूल में है अपने, मतलब थोड़ा काम वगैरह करें, अभी देखते हैं क्या सीन। जैसे कि स्कूल में ये काम वगैरह चल रहा है और अभी देखते हैं अंदर कैसे। वाह माशाल्लाह, ये लोगो है और यहाँ पर बाहर काम वगैरह चल रहा है। और इसमें यहाँ पर भी कलरिंग हो गई है, मतलब 50% काम हो चुका है माशाल्लाह। काले पीपे हैं, सारे कलर हैं यहाँ पर, ऊपर भी काम चल रहा है, देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कीप इट अप कीप इट अप माशाल्लाह। काम तो सही जा रहा है, आराम से आराम से। यहाँ पर बिलावल भाई काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बस सिर्फ थोड़ा बहुत कलरिंग का रहता है और वायरिंग का थोड़ा काम रहता है, ये आज या कल कंप्लीट हो जाएगा। ये गिलास भी हैं और एक ये गिलास भी इनकम्प्लीट है। और ये है फायर, इतनी गर्मी है, मेरा तो मतलब आंखें ही नहीं खुल रहे हैं। ऊपर से धूल मिट्टी है। बिलावल ने पहले वाला हमारा स्कूल ये वाला था, अभी शिफ्टिंग करके या आ गए। गर्मी है यार, गर्मी बहुत है। हाँ बिलावल, गर्मी कैसी है? हाँ क्या बोलती है गर्मी? हाँ इतना गर्म, इतना गर्म से मेरा सारा क्या एनर्जी एनर्जी। ये किसने कलर किया बिलावल? ये हाँ तारीख पे कलर किया। कब? कल। अच्छा कल कलर किया हुआ, अच्छा लग रहा है ना। हाँ। तो अब फनकारी नहीं कर, जाके काम कर शाबा। तो अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत हम भी काम कर लेते हैं। अपना स्कूल है, सिर्फ दूसरों को काम लगा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो हम भी काम कर लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी कबाड़ वाला नज़र आ गया, तो उसको बोलते हैं कि प्लास्टिक के चेयर लोगे या नहीं, देखते हैं क्या बोलते हैं। प्लास्टिक के चेयर हैं भाई, कह रहे मैं भेज दूँगा, देखते हैं। छोटे वाले जो प्लास्टिक हम 40 रुपये किलो देंगे, 50 रुपये हम चलो प्लास्टिक। जो खाली बोतल है ना प्लास्टिक वाला, ये पीने वाला पानी पीने वाला पेप्सी वगैरह, ये 60 रुपये किलो लेते हैं, ये हम 80 रुपये किलो लेते हैं। क्या हुआ, कितनी है कुछ में? फिर बहुत है, अगर 1-2 रुपये ज़्यादा देगा तो उसका थोड़ा दिन शुरू किया हो जाए। अरे भाई कबाड़ वालों के पास भी कॉल है, कॉल करके पूछ रहे हैं आगे कि कितने के लोग हैं या कितने के नहीं। गर्मी है यार, इतनी गर्मी हो रही है, दिल नहीं कर रहा बाहर निकलने को। और सीन कुछ इस तरह है कि घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे। शाजिब को कॉल किया, शाजिब कहाँ हो? शाजिब ने बोला कि ग्राउंड पे मैच है। मैंने कहा इतनी गर्मी में मैच खेल रहे हो? कह रहे हाँ मैच खेलना है यार।
तो सीधा हम ग्राउंड पे आ गए, मैं और शमरीत। तो अभी मैच इंजॉय कर, हम तो साए में बैठे में, गर्मी नहीं है, हवा नहीं चल रही, लेकिन गर्मी भी नहीं है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए अभी मैच को एंजॉय करते हैं। वैसे घर पे इतना बोर हो रहे थे, कुछ करने का नहीं, कैच होने वाले, ओए 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 ओए, गुड कैच, ओए ड्रॉप हो गया, ड्रॉप हो गया। मैंने समझा कि कैच हो गया, मैं कहने लगा गुड कैच, लेकिन कुछ सीन बैड हो गया। तो अभी मैच एंजॉय कर रहे हैं, शाहजेब वो वैसे आउट हो चुका है, तो अभी मैच को एंजॉय करते हैं। शामिर ले मजा तेरा, यो ये कैच हो गया, ये अरे आ जा कौन है मंसूर, अरे मंसूर आउट, बासित बासित जल्दी आ। बैठा ब्लग की बस जरा 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 ये देख ये अबे ये लोग फुल पागल हो गए, फुल पागल हो गए ये, फुल पागल। तो जैसे यार तुम्हारा भाई ग्राउंड से आ चुका है, और जैसे घर पे आया लाइट नहीं है, बैठ क्या करें यार, यही लाइफ चल रही है। तो एनीवेज, तो अभी मैं जैसे ग्राउंड्स पे गया हुआ था, वहीं पर बैठा हुआ था, शाहजेब बोलो कि मैच को एंजॉय कर रहा था, लेकिन तड़प ही ऐसी है ना, ये बोलते हैं तड़प ही ऐसी है, रहा ही नहीं गया, तो मैं भी चला गया थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलने, लेकिन बैड सीन, तीसरे बॉल पे आउट। ओह नो। और अभी हो रहे हैं 1:30 बज चुके हैं, मदरसे जाना भी है, तो अभी फटाफट से रेडी शेडी होते हैं, खाना खाते हैं, सीधा मदरसे के बाद मिलते हैं। रुको रुको रुको, तुम लोगों को एक सरप्राइज भी बता के चलता हूँ, मदरसे से जैसे ही आएंगे तुम लोगों के लिए सरप्राइज है, तो वेट करें एंड लेट्स सी। 5 hours later मैं मदरसे से आ चुका हूँ और रेडी भी मैं हो गया हूँ, क्योंकि मदरसे से थोड़ी देर से आया था, तो इसलिए मैं रेडी भी हो चुका हूँ। और मदरसे से जाने से पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज ये है कि मैं आज जा रहा हूँ किसी ब्लॉगर से मिलने, तो चलते हैं अभी ब्लॉगर के पास, देखते हैं, उसको मैंने लोकेशन भेज दिया कि इस जगह आए, मैं भी वहीं पर पहुँच जाता हूँ, तो अभी चलते हैं। वहाँ जाने से पहले मैं आ गया था शेवरित भाई के पास, तो शेवरित भाई के साथ जा रहे थे, साथ में उमर भाई कह रहे हैं चलते हैं दुकान, किसके दुकान, गोल्ड के दुकान पर चलते हैं, वहाँ पर देखते गोल्ड का क्या रेट चल रहा है, अभी चलते हैं गोल्ड का रेट भी मालूम करते हैं और गोल्ड गाड़ी में भी डलवाते हैं। तो गाइस आप लोग सोच रहे हो कि हम गोल्ड की दुकान पे जा रहे थे, लेकिन आए हैं पेट्रोल डलवाने, पेट्रोल का भी रेट गोल्ड से कम नहीं है, 324 है, तो अभी पेट्रोल गोल्ड डलवाते हैं उमर भाई गोल्ड डलवा के फिर निकलते हैं। कितने का 500 का गोल्ड डलवाया है, सिर्फ 1.5 लीटर 500 का आया इतना, ये गोल्ड की कीमत से भी अभी ऊपर जाएगा लगता है, गोल्ड की कीमत से भी ऊपर जाएगा। हाँ उमर भाई, एक लीटर 54 पॉइंट आया 500 का, एक लीटर 54 पॉइंट, अभी चलते हैं यार, बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, पता नहीं कब कम हो। तो यार यहाँ बैठे बैठे हमें लग गई थी भूख, तो मैंने अपने लिए सैंडविच मंगवा लिए, और गाइस फिर से प्रैंक हो गया, अंधेरा हो गया है, अजान भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो भाई नहीं आए, जिस भाई का मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ से 5 बजे से वेट कर रहा हूँ, उसको कॉल किया
कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा, मतलब कॉल ही रिंगिंग ही नहीं जा रहा, और ऊपर से उसका डाटा भी ऑफ है, पता नहीं क्या सीन है। तो पता नहीं कुछ काम पड़ गया होगा इसीलिए डाटा ऑफ है। एनीवेज हम अपना सैंडविच खाते हैं और एंजॉय करते हैं। यार सीन कुछ इस तरह है कि घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे, और मैंने शाजब को मदरसे से बुलवा लिया। शाजब भी यहाँ पर है, शमरित भाई भी यहाँ पर है, लेकिन एक मसला ये है कि इस बाइक पे पेट्रोल नहीं है। शाजब से मसला यही है, मसला कश्मीर का है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और हमें जाने सोसाइटी। तो अभी फटाफट से गाड़ी को पहले धक्के लगा के ले जाते हैं दुकान, पेट्रोल डलवा के फिर मिलते हैं। उतर नीचे उतर। क्या हो गया दान? फिर से कुआरी यार, ये चेक करो, चेन ही उतर गया यार। ये क्या सीन है यार, आधा घंटा इसको स्टार्ट करने में लगा है। गियर निकाल। हाँ लगा। बैठो, जल्दी करो। अब इसे स्टार्ट कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठो स्टार्ट, इधर स्टार्ट आया। बैठ। फिर बंद हो गया यार। सबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान को पहले भगा, शैतान को भगा। शादी उतर ना। में लगा तू। एक दिन चालू नहीं हो रहा है, ये पता है। बैठ गया तेरी के। चालू हो गया। फाइनली हम अपने आया भूसा के साथ अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर ये दोनों अपनी, शाजेब अपना व्लॉगिंग पे लगा हुआ है और शेमरी यहाँ पर मोबाइल यूज कर रहा था। शाजेब सही सलामत पहुंचा दिया है ना? गजब बेइज्जती है। हाँ जमरीद। हाँ यार ये गाड़ी पता नहीं क्या है ये, एक तो चालू नहीं है, स्टार्ट ही नहीं। मेरे हाथ देखो तो चैन भी निकल गया था रास्ते में। चैन मैंने लगाया था। किसने लगाया था? झूठ नहीं बोल रही थी, मैंने लगाया। मेरे हाथ देख, हाथ मेरे गवाह है इस बात का। मेरे भी हाथ गवाह है। कहाँ है दुगा? दुगा कहाँ है? तो यार अभी फटाफट से यहाँ पर भी थोड़ी बहुत शूट वगैरह कर लेते हैं, और फिर यहाँ से भी निकलते हैं, क्योंकि बाइक का कुछ कह नहीं सकते, ये किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। तो अभी फटाफट से यहाँ से शूट करके फिर निकलते हैं।